श्रीकांत भाई कल रात को मेरे को मिले और श्रीकांत भाई बोले फिशिंग करने जाना है. एब्सोल्युटली. वैसे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन फिशिंग के लिए सुबह 4 बजे उठ के सज धज के मैं तैयार हो गया. एंड वी हैड सच अ गुड टाइम. द वेदर वाज लाइक, मतलब एक बार तो लगना चाहिए ना कि गलत डिसीजन ले लिया. बट द फिश इज नाइस. और आज का दूसरा डिसीजन ये है, आज की डील ये है कि बीच पे रहेंगे, जो मिलेगा उसे पकाएंगे, देखते हैं दिन कैसा जाता है. One of the reasons I really love प्याज, एक तो एकदम पंजाबी फ्लेवर है इसके अंदर. दूसरा टेस्ट वाइज सारे टेस्ट हैं. इससे मीठा निकाला जा सकता है इसको पका के. प्याज का हलवा बनता है कई जगह. हल्का सा सॉटे करो तो एक लेमनी सा खट्टा फ्लेवर आता है. इफ़ यू ईट इट रॉ इट्स बिटर एंड स्ट्रिंजेंट, स्लाइटली स्पाइसी. हर पॉसिबल टेस्ट प्याज के अंदर है, स्पेशली विद नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि नॉन वेज खाने में मीटीनेस चाहिए होती है, एक बॉडी चाहिए होती है, और वो बॉडी ज़्यादातर प्याज से आती है. प्याज स्लाइस करके रखता हूँ साइड में, और सुबह सुबह जो बढ़िया सी मैकरल मिली है, ओहो बड़ी रेता बड़ा है, रेता रेत बहुत है. और मैकरल के साथ क्या करें क्या करें क्या करें. हाँ, स्पाइसीनेस के लिए थोड़ी रेड चिली थ्रू एंड थ्रू. एक कट थ्रू एंड थ्रू, दूसरा कट, तीन और चार. एक्चुअली द होल इंस्पिरेशन, पूरी इंस्पिरेशन जो है ना आज की है कोलवा, जहाँ पे मैं अभी हूँ. और कोलवा इतना पॉपुलर नहीं था शुरू शुरू में. बहुत कम लोग यहाँ आते थे, कुछ खेती नहीं होती थी, सिर्फ समुद्र था. नॉर्थ में तो फोर्ट्स थे, बट साउथ का कोलवा जो पार्ट था बहुत निग्लेक्टेड था. और ये गया सॉल्ट. आदिल शाही सल्तनत में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि समुद्र के रास्ते कोई आ सकता है, तो बहुत सारे फोर्ट उन्होंने बनाए, सब टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ गोवा, कि भाई देखो नॉर्थ में कर्नाटका से महाराष्ट्र से अटैक हो सकते हैं. और पोर्चुगीज एक्चुअली आ गए साउथ से, एंड दिस इज़ वेयर दे लैंडेड. कोलवा में उतरे और वहाँ से आदिलशाही सल्तनत ख़त्म हुई, और तब से कोलवा बसना शुरू हुआ मच लेटर. और कोलवा के बसने का सबसे बड़ा जो ज़रिया था वो था फिशिंग. इसलिए आज भी कोलवा इज़ नोन फॉर द फिशिंग कम्युनिटी. कुछ चीज़ें बड़ी टिपिकल हैं कोलवा की, जैसे एनी टाइम यू कम टू कोलवा तो लोकल फैमिलीज फ़िश कटलेट बनाती हैं. बांगड़ा की कटलेट आउटस्टैंडिंग. और बांगड़ा की कटलेट के लिए ये बांगड़ा मैरिनेट करके और इसको आग के ऊपर डाल दिया, परफेक्ट. मैरिनेशन बहुत सिंपल, सॉल्ट, रेड चिलीज और थोड़ा सा तिफला. तिफला यानी कि लोकल पेपर. इट्स लाइक अ लेमन पेपर जिंजर कॉम्बिनेशन, जिसमें पेपर और लेमन हाई नोट्स हैं और जिंजर थोड़ा लो नोट. प्याज, रॉ मैंगो, बहुत सारा लेमन जूस. ट्रिक ये है कि लेमन का जो एसिड होता है उससे ही ये फिश कुक होगी. आई विल शो यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. ये फिश यहाँ पे रखी है, इसके ऊपर अगर मैं लेमन डालूँ तो थोड़े टाइम बाद ये फिश सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि हे यू सी, देख रहे हैं आप. इट्स लाइक द फिश इज़ कुकिंग. जैसे पकने के बाद सफ़ेद होती है वैसे सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी. कारण ये है वेरी सिंपली कि एसिड जो है वो डेलिकेट प्रोटीन्स को, नाजुक प्रोटीन्स को पका देता है. पेरू में यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेविचे बनाते हैं. अ लॉट ऑफ फिश इज़ क्योर्ड इन जापान, जापान में क्योरिंग करते हैं. लेकिन हिंदुस्तान में सन इतना अच्छा होता है कि सन में और सैंड में क्योर करने का अपना ही मज़ा है. इमेजिन कोलवा बीच क्योर्ड वाइट बेट. नमक, थोड़ा सा नारियल. अब हिंदुस्तानी सेविचे है तो मिर्च तो डालनी बनती है. एक गया कोरिएंडर,
So coriander, green chili, onion. The idea here is to add sharpness. Sharpness onion se, green chili se, aur taazgi coriander se, ek subtle mellow flavor coconut ka, aur dher sara sour. Sour being the key ingredient. Alright, let's mix this up. Sirf aadha ghanta. That's all it needs. Ye sari fish dalta hu ek plastic bag mein. And all the juices. Ab thoda sa silver foil. Silver foil metallic hota hai, heat absorb karta hai. So sand ki heat absorb karega aur bag mein transfer kar dega. Ab kya karna hai? Aadhe ghante ke liye garam ret mein gaad ke aur uske baad bhul jana. Okay, here goes the fish. Aur ye gayi garam ret. डंडा कहाँ है? क्योंकि 100% चांसेस है मुझे याद नहीं रहेगा कहाँ गाड़ा था. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.